हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गंगा तेसरा पर खरीदे ये चीज़ें, भर जाएगा अन्य धन्य से घर, आएगी घर में खुशियाँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गंगा दशहरा के दिन ही माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप कष्ट धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसीलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, और इस दिन माता गंगा को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से भी माता गंगा आपसे प्रसन्न हो सकती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे और इसकी पूजा विधि क्या है, वही इसका महत्व क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गंगा दशहरा पर किन चीज़ों की खरीदारी आपके लिए शुभ साबित हो सकती है और इस पावन दिन पर माता गंगा को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है और इसका मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पावन पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला अमृत सिद्धि योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग। इस शुभ मुहूर्त में माता गंगा और भोले बाबा को आराधना करनी चाहिए और दान पुण्य के कार्यों को बड़ा महत्व दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। नंबर 1, गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। यदि आप किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग कर ले। नंबर 2, इसके बाद नए साफ वस्त्रों को धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दे। नंबर 3, इस शुभ दिन पर गंगा माँ के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। नंबर 4, गंगा दशहरा पर गंगा स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है और इस दिन गंगा स्नान करने से किन पापों का नष्ट हो जाता है। मान्यता अनुसार राजा भगीरथ के कठोर तपस्या करने से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान और दान करने से पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति भी मिलती है और वे सुखी रहते हैं। प्रभु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा दशहरा के दिन दान करना एक उत्तम अवसर है। इस दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध, हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरों के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है।
आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों की खरीदारी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर एक, झाड़ू। झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सौभाग्य में वृद्धि का कारक माना जाता है। घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। नंबर दो, नए वस्त्र। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नए जीवन का कारक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है उसे जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। नंबर तीन, गुड़। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है और समृद्धि आती है। वही गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर माता गंगा को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर एक, गुड़। गंगा दशहरा के मौके पर माँ गंगा को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें बहुत पसंद है, साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको माता गंगा को यह भोग जरूर लगाना चाहिए। नंबर दो, बर्फी। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फी का भोग लगाना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन पर बर्फी का भोग लगाने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इस पावन दिन पर बर्फी का भोग अवश्य लगाएं। नंबर तीन, तिल के लड्डू। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की विधि अनुसार पूजा अर्चना करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, साथ ही माँ प्रसन्न होगी। नंबर चार, बताशे। माँ गंगा को बताशे का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। बताशे का भोग लगाने से माँ गंगा प्रसन्न हो सकती है और उनकी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को बताशे का भोग लगाए। नंबर पाँच, सफ़ेद मिठाई। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। सफ़ेद मिठाई शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसका भोग लगाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और कलह क्लेश से भी छुटकारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।